मुंब्रा के एमआईएम दफ्तर पर हुए विवाद को लेकर एमआईएम पार्टी के वारिस पठान ने आज डीसीपी अविनाश अंबुरे से मुलाकात की है। वारिस पठान ने बताया है कि इस पूरे मामले को लेकर उन्होंने डीसीपी से बातचीत की है और साथ में ये भी कहा कि न्याय प्रक्रिया पर उन्हें पूरा भरोसा है और इस मामले में जो भी दोषी हो उन पर कार्रवाई की जाए। मीडिया से बातचीत करते हुए एमआईएम पार्टी के नेता वारिस पठान ने क्या कुछ कहा है आपको सुनाते हैं। देखिए, दो दिन पहले रात को कुछ गुंडे घुसे हमारी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जो ऑफिस है थाना मुमरा में, वहाँ पर आई, तोड़फोड़ किया, हमारे एक बच्चे को मारा तलवार और डंडों से। और आप तमाम ने देखा कि पूरा सोशल मीडिया पे भी वीडियो वायरल है, मीडिया को सब पता है। तो ये बहुत ही कंडेमनेबल घटना थी, हमने इसका खंडन किया है पूरी तरह से। और हमने पार्टी के जो हमारे सदर है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, उनका डायरेक्शन था कि जाइए किसी भी तरह पुलिस से बात करना है, एफआईआर रजिस्टर कराना है और जो भी गुंडे उसमें मुब्तिला थे उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी है। तो हम फर्स्ट डे से लगे हुए हैं, पुलिस ने अभी हमको बताया, आज हमारी मुलाकात हुई तो पुलिस ने एफआईआर रजिस्टर किया है, धारा लगाई है 326 और राइटिंग की धारा लगाई है। चार लड़कों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और उनको एक चार दिन का पुलिस रिमांड मिला है। सब पुलिस ने हमको बताया और हमको उम्मीद है और यकीन है कि पुलिस निष्पक्ष इंक्वायरी करेगी और जो कोई भी लोग इस घटना के अंदर मुब्तिला है, जो पीछे मास्टरमाइंड भी अगर कोई है, तो हमने पुलिस से यही कहा है कि आप उसका भी इन्वेस्टिगेशन करिए और उसके भी हिरासत में लिया जाए। तो देखिए, हमारा एक ही चीज़ मानना है, हम कायदे कानून का पालन करते हैं, संविधान का पालन करते हैं, हम कायदे को अपने हाथ में लेना नहीं मानते। अभी जो बुजदिलाना हरकत है हम ये नहीं करते कि जाओ कोई खड़ा है निहत्ते को जाके ऑफिस में मारो। अरे भाई साहब, कानून की लड़ाई कानून से लड़ेंगे, सियासत की लड़ाई सियासत से लड़ेंगे। अगर आपको इस तरह गुंडागिरी भाईगिरी करना है तो हमको भी आता है करना, हम भी घुस के मार सकते हैं आपको, लेकिन हम कायदा कानून हाथ में नहीं लेना चाहते। इसलिए हम कानूनी प्रतिक्रिया करके चाहते हैं सरकार से कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और अगर यदि कोई पॉलिटिकल पार्टी भी इन्वॉल्व है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई करना चाहिए, क्योंकि ये चुनाव है, चुनाव आएंगे चुनाव जाएंगे, लेकिन जनता जनार्दन है, जनता सब देख रही है और इसका जवाब अगर जिसने भी बुजदिलाना हरकत किया है किसी के बोलने के ऊपर, तो उसको जनता चुनाव में बराबर से जवाब देगी अपने वोट के जरिए। हम इस चीज़ में मानते हैं। बहुत अच्छी तरह से बात हुई, कमिश्नर साहब से, डीसीपी साहब से सबने बात किया है और एक्शन भी लिया है पुलिस ने और हमको यकीन है कि सख्त कार्रवाई भी होगी अभी उनके खिलाफ भी और इंशाल्लाह कायदा कानून प्रिवेल करेगा। डीसीपी साहब ने आप लोगों को क्या आश्वासन दिया है इस मामले को लेकर? दिया ना, डीसीपी साहब ने बताया कि हमने एफआईआर रजिस्टर किया है चारों जन को अरेस्ट किया है हमने, उनको चार दिन की पुलिस हिरासत में लिया है और उसे इन्वेस्टिगेशन भी कर रहे हैं, हम लोग पूरी तरह से चौकसी कर रहे हैं। अब कोर्ट के अंदर मैटर है, कोर्ट जो फैसला करेगी सबको मान्यता होगा उसके जरिए। हम चाहते हैं कि आगे से ऐसी कोई घटना ना हो, इसलिए पुलिस को सख्त कार्रवाई इस पर करना चाहिए।